अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं 15.5 मरले का नहायत ही खूबसूरत घर, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है और वाकया ये बैरिया टाउन फेस 8 में है। नहायत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ इसको बनाया गया, जिस पर CNC का यूज़ किया गया। मज़ीद चलते हैं यहाँ पर इसके ग्राउंड फ्लोर की तरफ और इसका हम विज़िट करते हैं। तो सबसे पहले इसका आप रोलिंग गेट देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत CNC के साथ इसमें काम किया गया। आइए चलते हैं विज़िट की जाने। तो सबसे पहले हम खड़े हैं इसके खूबसूरत से कार पोच में। इजीली आप 3 सेडान कार पार्क कर सकते हैं। आप टॉप पे इसकी फॉल सीलिंग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी फॉल सीलिंग दी गई है। मज़ीद आप साइड पर देखें तो वाटर टैंक एरिया देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है और ग्राउंड फ्लोर की, और साथ ही इसकी ड्राइंग रूम की एक्सेस है। तो बहुत ही खूबसूरत इसको डबल यूनिट बनाया गया है। मज़ीद आपको यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपको दिखाता चलता हूँ, जो कि इसके बैक साइड पे है। ये एक गैलरी दे दी गई है, बहुत ही खूबसूरत। इस गैलरी को होते हुए, इस गैलरी से गुजरते हुए हम, ये बहुत ही खूबसूरत इसका लॉन दे दिया गया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, सेपरेट एक्सेस है बार गैलरी से, जो कि आप देखेंगे तो आपको टॉप तक लेके जाएगी, सर्वेंट क्वार्टर तक। मज़ीद बहुत ही खूबसूरत इधर फाउंटेन भी दे दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत सिटिंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है। ग्रीन लश ग्रीन एरिया आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत, आप यहाँ पे बैठ के रात को टी अपनी इंजॉय कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे लैंड की तरफ, आपको वो भी समझा देते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली सर्वेंट क्वार्टर आपके एक्सेस कर सकते हैं टॉप को। यहाँ से आप देखें तो ये किचन की इजी एक्सेस है इसी गैलरी में। तो अभी हम ये आपको दिखा रहे हैं, एक शॉर्ट सी डाबी दे दी गई है राइट जाने भी इसका ड्राइंग रूम में। सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम ही दिखाते चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्लोज ड्राइंग रूम रखा गया है। यहाँ से लिविंग एरिया के भी एक्सेस है। डबल फैन के साथ फनूस का इसमें यूज़ किया गया है। वेंटिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। बहुत ही खूबसूरत साइड पे आप देख रहे हैं वार डिज़ाइन की गई है। अब हम चलते हैं इसके लिविंग एरिया की तरफ। बहुत ही खूबसूरत आप इसका लिविंग एरिया देख रहे हैं, बहुत ही वाइड इसका लिविंग एरिया। टॉप पर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत शैंडेलियर के साथ डबल फैन और फनूस का यूज़ किया गया है। साइड पर देखें तो बहुत ही खूबसूरत वार को डिज़ाइन किया गया है। अब मेरे राइट जानेब आप बहुत ही ज़बरदस्त कलर कम्बिनेशन में किचन देख रहे हैं। इसका आपको वो डोर दिखाया था जो कि बाहर गैलरी को एक्सेस कर रहा था। ये आ जाता है इसका बहुत ही डिसेंट किस्म का किचन। रेंज हुड बर्नर वगैरह इसमें भी इंस्टॉल कर दिया गया है। बाकी ओवन और माइक्रोवेव ओवन के लिए सेपरेट स्पेस छोड़ी गई है। यहाँ पर अपना आप फ्रीज़र वगैरह भी रख सकते हैं या वगैरह अपना रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन देख रहे हैं, पर्पल के साथ वाइट की कलर कम्बिनेशन की गई है। रेंज हुड बर्नर वगैरह बहुत ही खूबसूरत इस पर इंस्टॉल कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडिया वॉल, बहुत ही खूबसूरत वाइड आपको मीडिया वॉल देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। एज़ इट इज़ आप रूम्स अब आते हैं, रूम्स की जानिब चलते हैं और रूम्स हम देखते हैं। ये आ जाता है इसका बेडरूम, सॉरी ये एक बीच में फाउंटेन सा पड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है ये। और साथ ही बैक साइड पे देखें तो आपको वही लॉन देखने को मिल जाता है। ये इसका बेडरूम है। यहाँ पे कलर कम्बिनेशन लाइट पर्पल प्लस वाइट इसमें कलर कम्बिनेशन की गई है। और साइड पे देखें तो वॉल बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कर दी गई है। तो ये आ जाता है इसका बाथरूम। वैनिटी टॉप पे देखें बहुत ही खूबसूरत जेट ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ करते हुए वैनिटी को बनाया गया है। अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड बेडरूम में। ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ही खूबसूरत ये आपको बेडरूम भी देखने को मिल जाता है। साइड पे देखा तो वॉलपेपर का यूज़ किया गया, बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। और सॉलिड वुड में आपको डोर देखने को मिल जाता है। अभी साथ इसी के देखें तो ये आ जाता है इसका बाथरूम, बहुत ही स्पेशियस आपको ये बाथरूम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ग्लास के साथ इसको सेपरेट किया गया है शावर एरिया को। वैनिटी बहुत ही खूबसूरत कैसा की यूज़ की गई है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में इसको बनाया गया। अब यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, वार्ड्रॉ एरिया जो है वो इसी बाथरूम के अंदर रख दिया गया। वार्ड्रॉ ना होने की वजह से ये रूम बहुत ही ज़्यादा वाइड है, वार्ड्रॉ बाथरूम के अंदर ही रख दिया गया। आइए चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और इसके फर्स्ट फ्लोर के टूर करते हैं। यहाँ पे इसकी ओनर डिमांड आपको बताता चलूँ, 5 करोड़ 50 लाख यानी 5 करोड़ 50 लाख रुपीज़ इसकी ओनर डिमांड है। ये बेसिकली 15.5 मरले पे बनाया गया है और इसके 2 फ्लोर्स हैं और डबल यूनिट ये बनाया गया, यानी इसके नीचे भी किचन आपको मिल जाएगा और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको इसका किचन देखने को मिल जाता है। आइए चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और इसका हम फर्स्ट फ्लोर विजिट करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पे। ग्राउंड पे देखे तो टाइल का यूज़ कर दिया गया, टॉप पे देखे तो बहुत ही डिसेंट वुडन स्टाइल में इस टेरेस को कवर किया है। इधर आप नाइट में बैठ के टी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। आइए चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। बहुत ही खूबसूरत इस ड्राइंग रूम को डिज़ाइन किया है। टॉप पे देखे तो फॉल सीलिंग का यूज़ किया गया है विद दी हेल्प ऑफ येलो रोप लाइट। देख सकते हैं वॉलड्रॉप अपार्टमेंट, इसमें भी टॉप टू बॉटम दे दिया है। बैक साइड पर देखे तो वॉल को डेकोर कर दिया है डेकोरेशन आइटम सबके, मजीद इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। इसके साथ ही पोर्टर रूम दे दिया, खूबसूरत इधर टाइल्स का यूज़ किया गया है। इसके अंदर इंग्लिश सीट का ऑप्शन दे दिया गया है। टॉप पर देखे तो बहुत ही खूबसूरत ग्रेनाइट का यूज़ किया है। वैनिटी वगैरह बॉल वगैरह बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आइए चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। मैं मौजूद हूँ इस टाइम पर लिविंग एरिया में। राइट साइड पर देख सकते हैं रूफ टॉप के ऊपर जाती हुई आपको स्टेयर्स दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर टॉप पे मार्बल का यूज़ किया है। साइड पर स्टेनलेस स्टील ग्रिल का यूज़ कर दिया गया है। वॉल को डेकोर कर दिया गया है, वॉल के ऊपर वॉलपेपर का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। टॉप पे देखे तो बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर का यूज़ किया है रोप लाइट के साथ और डाउन लाइट्स जो कि बहुत ही खूबसूरत एंड आउट क्लास लग रहा है। बैक साइड पे देखे तो मीडिया वॉल बहुत ही डिसेंट स्टाइल में डिज़ाइन कर दिया है। लेफ्ट साइड पे वॉल को डेकोर कर दिया गया, इसके ऊपर डिसेंट वॉलपेपर का यूज़ किया गया। इसके अंदर डेकोरेशन आइटम रखने की स्पेस प्रोवाइड आपको कर दिए, जो आप रख के मजीद खूबसूरत कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत पर्पल एंड वाइट कलर कम्बिनेशन में किचन को डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत आउट क्लास लुक दे रहा है। ग्राउंड पे देखे तो टाइल का यूज़ कर दिया गया है। टॉप पे देखे तो फॉल सीलिंग का यूज़ कर दिया गया विद हेल्प ऑफ डाउन लाइट्स, जो कि आउट क्लास लुक दे रहा है। इसके साथ ही देखे तो रेंज हुड एंड बर्नर आपको इंस्टॉल कर दिया है, जो कि बहुत ही गुड क्वालिटी का। इसके साथ ही सिंक वगैरह भी यूज़ कर दिया गया, जितना भी वुड वर्क हुआ है सारा गुड क्वालिटी का इसके अंदर कर दिया गया। आइए चलते हैं इसके बेडरूम्स में। बेडरूम्स को भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसके अंदर भी एक वॉल को बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन कर दिया है। टॉप पे देखे तो बहुत ही डिसेंट स्टाइल में फॉल सीलिंग का यूज़ किया गया विद हेल्प ऑफ डाउन लाइट्स। वॉलड्रॉप अपार्टमेंट देख सकते हैं, इसके अंदर पर्पल एंड व्हाइट कलर कम्बिनेशन में इसको बना दिया गया है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए सेफ्टी ग्रिल्स भी दे दी गई हैं। बैक साइड पर आप देख सकते हैं लॉन का बहुत खूबसूरत व्यू इस रूम से भी आपको दिखाई देता है। इसके साथ ये अटैच बाथरूम है, गुड क्वालिटी है। इसके अंदर देखें तो कासा का जो है बाउल यूज़ किया गया है। वैनिटी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बना दी गई है और इंग्लिश सीट का ऑप्शन इसमें भी आपको प्रोवाइड किया है। आइए चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। इसके सेकंड बेडरूम को भी बहुत ही खूबसूरत बनाया है एंड वाइट बनाया है। देखिए ग्राउंड पे तो टाइल का यूज़ कर दिया गया है, टॉप पे देखे तो फॉल सीलिंग का यूज़ किया गया विद हेल्प ऑफ रोप लाइट। राइट साइड में देखे तो वॉल के ऊपर वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। टॉप पे देखे तो बहुत ही खूबसूरत फानूस का यूज़ किया है। इसके अंदर ब्राउन एंड वाइट कलर कम्बिनेशन में वॉलड्रॉप अपार्टमेंट दे दी गई है, जो कि बहुत ही स्पेशियस है। आइए चलते हैं बाथरूम में। बहुत ही खूबसूरत इस बाथरूम को भी डिज़ाइन किया है। इसके अंदर देखें वॉल कासा का यूज़ किया गया है गोल्ड कलर में एंड वाइट कलर में टॉप पे इसके मार्बल का यूज़ कर दिया गया। इसके अंदर इंग्लिश सीट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के खूबसूरत घर आप देख सकें। तो इस घर की ओनर डिमांड है 5 करोड़ 50 लाख। उम्मीद करते हैं घर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।